गाड़ी रहेगी तो समझ लो रोड के अंदर है, उस साइड जाएगी तो बाहर, आपको रोक के भी दिखा देंगे। चलिए इस साइड कर रहे हैं, है पहिया या नहीं है उस पर, तो चलिए रोकते हैं अभी इसको। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग इस, तो अगर हमारा ये टेप लाइन पे रहेगा ठीक है तो हमारी गाड़ी भी समझ लो इसी पट्टी पे, हमारा जो पहिया है वो इसी पे चल रहा है। ठीक है, ये हमारी पट्टी जो है ठीक है, देख सकते हैं इस साइड है, तो हमारी गाड़ी समझ लो उसमें नहीं लगेगी, हमारी गाड़ी निकल जाएगी। ठीक, हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है के ड्राइविंग स्कूल चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज जो महिंद्रा बुलेरो पिकअप है उसका हम जजमेंट बताएंगे। देख सकते हैं बहुत आसानी से, अगर ये वीडियो आप देख सकते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको जजमेंट आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी जजमेंट नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से आप लोगों को बता देंगे। तो सबसे पहले गाड़ी को जजमेंट करने के लिए कि हमारी गाड़ी खा ले तो नहीं चल रही, ऊपर नहीं चल रही, इन सब दुर्घटनाओं से बचने के लिए आपको गाड़ी सबसे ऊपर रखना है, रोड के नहीं नीचे भी नहीं जाएगी, ऊपर भी रहेगी और अच्छे तरीके से आपको जजमेंट आ जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसी पट्टी हो अपना लेफ्ट साइड जजमेंट जो है वो इस पहिए पर खड़ा कर लीजिए। ठीक है, पहिया आपका इसी लाइन पे होना चाहिए। तो जैसे हमने खड़ी कर लिया, फिर आपको जजमेंट कैसे करना है, तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से जजमेंट पिकअप का करना आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो चलिए गाड़ी के अंदर जाते हैं हम, और गाड़ी के अंदर जाने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से जजमेंट आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए गाड़ी बंद कर लेते हैं, फिर देख सकते हैं कि हमारा जो जजमेंट है, हम ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं एकदम सीधे से बैठ जाना है और आपको देख लेना है, यहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर जो है वहाँ पे ड्राइविंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप आसानी से, जो ये मर्सिडीज का लोगो लगा है यही हमारा मेन पॉइंट है, और जो हमारा वाइपर वाला है तो यहाँ पे देख सकते हैं धनुष आकार का बना है, आगे की तरफ इस तरफ से उस तरफ गया है, इस तरफ से उस तरफ गया है ये वाला। ठीक है, देख सकते हैं ये जो हमारा गाड़ी का डैशबोर्ड होता है, ये जो सीट गया है यहाँ पर यहाँ पर, और यही जब ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे तो यही हमारा जजमेंट हो जाएगा। इतनी अगर गाड़ी आपकी अंदर रहती है तो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लो हमारी गाड़ी रोड के ऊपर है। अगर इससे बाहर उस तरफ ये वाली इस तरह की गाड़ी उस तरफ जाती है तो समझ लो गाड़ी हमारी नीचे है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए हम आपको टेप लगा के आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, तो चलिए एक सेकंड रुकिए। इसको कुछ इस तरीके लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा रीचे ऐसे ही ऐसे लगा लेना है। समझ लीजिए हमारा जहाँ पे हमारा फेस होता है, देख सकते हैं वहाँ पे हमने इसको लगा लिया, ये जजमेंट है। और आगे देख सकते हैं ब्लैक टेप हमने लगाया है, ठीक है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला मर्सिडीज के लोगों का ये वाला जजमेंट है, और हमारा ये वाला जजमेंट है। ठीक है, इससे हमें जजमेंट लगा लेना है, आपको ऐसे टेप लगा लेना है, और देख सकते हैं ये हमारा इसी पर चलेगा। ठीक है, ये वाला जो है हमारा एरिया इसी पर चलेगा, चाहे यहाँ से ले कर यहाँ तक टेप लगा लो इसका, ठीक है, तब भी वैसे रहेगा। तो चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक हम लगा लेते हैं। ठीक है, फिर तो चलिए हमने टेप लगा लिया है, देख सकते हैं, और आगे भी टेप हमारा लगा हुआ है, समझ लीजिए ये हमारा इसके अंदर हमारी गाड़ी रहेगी, समझ लो रोड के अंदर है, उस साइड जाएगी तो बाहर है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, क्लच दबाते हैं, गाड़ी को ऑन करते हैं और ये स्टार्ट कर दिए। ठीक है, और गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल थोड़ा हिल विल सकता है तो ये राइच हो सकता है, लेकिन ये एकदम सही से लगा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा सही चलेगा, और जहाँ पर हमारा फेस है वहाँ पे ये हमारा इस टाइम है। चलिए हम इसको चलाते हैं, ठीक है, मोबाइल नहीं हिलाते हैं और चलाते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हमारा लाइन पर ही रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाइट पट्टी पर ही गाड़ी हमारी चल रही है, आपको रोक के भी दिखा देंगे। चलिए इस साइड कर रहे हैं, ठीक है, इसी से हम जजमेंट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी गाड़ी इस साइड आ गई, रोड पे चलने लगी, अगर इसको अभी हम रोकेंगे ठीक है तो ये हमें अच्छी तरीके से जजमेंट बताएगा। ठीक है, हमारी गाड़ी लगभग दो तीन हाथ इस साइड चल रही, तो चलिए हम इसी पे अभी पट्टी पे रोकते हैं, तो देखते हैं अभी गाड़ी हमारी है पहिया या नहीं है उस पर। तो चलिए रोकते हैं अभी इसको, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग इसी पे हमने रोक दिया। ठीक है, आप लोगों को बाहर उतर के दिखाते हैं, ठीक है, गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं, चलिए बाहर उतर के दिखाते हैं आप लोगों को कि गाड़ियाँ निकल रही हैं, हाईवे है ना थोड़ा, तो हाईवे है तो देख सकते हैं हमारे गाड़ी का टायर जो है ये एकदम इसी पे है। ठीक है, यानी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा, और हाँ बोनट पे यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे टेप, इससे भी जजमेंट कर सकते हैं, इससे तो बहुत अच्छा आएगा, वो वाला तो थोड़ा वो है, लेकिन ये वाला जो जजमेंट है हमारा मर्सिडीज का लोगो वाला, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, वहाँ से भी रोक सकते हैं, देख सकते हैं लाइव आपको दिखा रहे हैं, ऐसा वीडियो आपको कोई नहीं बना के दिखाया होगा, वीडियो में कट लगे होंगे, लेकिन हमारा एकदम लाइव वीडियो है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे
ये देख सकते हैं वाइट पट्टी झपी हुई है, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक, जहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और आगे वाला भी टेप एकदम काम कर रहा है, देख सकते हैं इसके इस साइड करेंगे तो आड़ हो जाता है, इस साइड देखिए वो भी हमारा एकदम लाइन पे है, आप देख सकते हैं, ठीक है, एकदम लाइन पे हमारा वो भी टेप है, ठीक है, चलिए देख सकते हैं वो भी लाइन पे है। और ये भी हमारा जहाँ पे फेस होता है ड्राइवर का, यहाँ से ये भी हमारा लाइन पे, तो चलिए आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को फिर। चलिए इंडिकेटर देते हैं, देख सकते हैं हम यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है, यू टर्न, ठीक है, देख सकते हैं कोई गाड़ी नहीं आ रही तो हम यू टर्न ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं लाइव गाड़ी हम रोक के दिखाते हैं एकदम लाइव, ठीक है, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। चलिए आगे भी रोकते हैं आप लोगों को दिखाते हैं, एक बार नहीं दो तीन बार देखिए तब विश्वास करिए, ठीक है। इस टाइम हमारा जो पहिया है वो लाइन पर ही चल रहा है, ठीक है, हम आगे वाले से जजमेंट करके दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। ये जो वाइट पट्टी है देख सकते हैं, ये वाला आगे वाला हम इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, मोबाइल थोड़ा आगे करके, ठीक है, दिखा रहे हैं आप लोगों को, ऐसे भी मोबाइल करेंगे तब भी दिख जाएगा, ऐसे भी करेंगे तब भी दिख जाएगा। चलिए यू टर्न लेने के बाद चलिए उतर के दिखा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, लाइव फिर से दिखा रहे हैं आपको, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, फिर हमारा जो पहिया होगा देख सकते हैं बहुत आसानी से देख सकते हैं आप आगे का और पीछे का भी, ठीक है, देख सकते हैं कितने परसेंट वर्क कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे गाड़ी आपका पहिया हो वहाँ पे रोक सकते हैं, ये वाला जो हमारा है इससे रोक सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है, शीशा वाला भी काम करता है और ये वाला भी बहुत अच्छा काम करता है। तो चलिए आगे भी अभी आप लोगों को एक ट्रिक और बता रहे हैं, उससे भी आप अच्छे तरीके जजमेंट कर सकते हैं, तो चलिए गाड़ी में चलते हैं, इसको साइड लगाते हैं फिर आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, गाड़ी में आ गए इसको साइड लगाते हैं फिर आप लोगों को बता रहे हैं अभी। तो जजमेंट करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, तो आपको बताए दे रहे हैं, देख सकते हैं ये, ठीक, जो यहाँ पे बुलेरो का कट लगा होता है बोनट से देख सकते हैं, यहाँ पे इतना छोड़ के ये जो होता है, ठीक है, यहाँ से टेप ले जाके अपना जजमेंट वाला जो सिस्टम होता है यहाँ पे 29 पे एकदम आता है, 29 और 29.5 मान के चल सकते हैं, देख सकते हैं ये, यहाँ से 29 और 29.5 पे यहाँ पे टेप लगा सकते हैं तो आपकी गाड़ी अंदर रहेगी, एक ये हो जाता है। तो चलिए अंदर का भी नाप के आपको दिखाते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं ये अंदर वाला अपना जजमेंट यहाँ पे 13.5 आ रहा है, ठीक है। चलिए नीचे का यहाँ पे लगाइए, इस साइड का हमें लाइए, ठीक है, ये जो पट्टी बनी होती है यहाँ से देख सकते हैं कितना आ रहा है, 20.5 ना, खींचिए थोड़ा टाइट करिए, 20 ही पूरा है, पूरा 20 है, 20 आता है यहाँ से देख सकते हैं, ये 20 आता है, ठीक है, हटाइए, देख सकते हैं कहाँ पर है, जो बुलेरो पिकअप का बैपर होता है ना यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसी तरफ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा मेन, ठीक है, यहाँ पे इस सीट, ठीक है, और ये थोड़ा टेप कम है ना तो यहाँ पे नहीं आया क्योंकि ये राइच ही जाएगा, ठीक है, इतना होता है। आप इसी तरीके से नाप के जो बोनट वाला है ना जजमेंट, वो वाला वो आपका बेस्ट है, उससे आपको बोनट भी दिखता रहेगा और आप अच्छी तरीके से सीख भी जाएंगे। चलिए इसको हम छुड़ाते हैं फिर, ठीक है, और आपको दूसरा तरीका फिर बताते हैं कैसे रोकना है, ठीक है, चलिए बने रहिए। तो बारिश हो रही है देख सकते हैं, तो आपको राइट साइड का जजमेंट कैसे लगाना देख सकते हैं आप लोग, ये जो टायर है आगे का और पीछे का देख सकते हैं पट्टी पे खड़ा कर लेना है, ठीक है, ऐसे कुछ खड़ा हो गया और राइट का जजमेंट, ठीक है, राइट साइड का, तो देख सकते हैं राइट साइड का जजमेंट ऐसे यहाँ से लगा सकते हैं, ये जो स्टेयरिंग का ये वाला पॉइंट है यहाँ से, और बोनट से ही आप लगाइएगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, देख सकते हैं ये जो बोनट हमारा होता है यहाँ पर, ये वाला राइट साइड का आपका जजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टेप लगाते हैं फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ठीक है, देख सकते हैं जो हमारा राइट साइड का जजमेंट है, इतनी ऊंचे पे हमारा लोगों का फेस होता है, ऐसे हम लोग डिजिटल मीटर देखते हैं और ऐसे गाड़ी चलाते हैं, तो ठीक है, ये हमारा बोनेट हो जाता है ये वाला, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये बोनेट हो जाता है, इस पर टेप लगाते हैं फिर राइट साइड का जजमेंट कैसे काम करता है आपको भी सिखा रहे हैं, चलिए वीडियो में बने रहिएगा, यहाँ पर फिर टेप लगाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा टेप है एकदम इसी पे चिपका है, ठीक है, लाइन पे, तो अगर हमारा ये टेप लाइन पे रहेगा, ठीक है, तो हमारी गाड़ी भी समझ लो इसी पट्टी पे, हमारा जो पहिया है वो इसी पे चल रहा है, ठीक है। आप जब ड्राइविंग सीट पे कभी बैठिएगा तो आप अपने हिसाब से जिस सीध अपनी नज़रें हो किसी दूसरे को भेज के आप बैठिएगा तो टायर रोड पर इसी पे खड़ी कर लेना पट्टी पर, ठीक है, और यहाँ पर किसी दूसरे से टेप लगवा देना इस सीध, ठीक है, और जो वो हमारा लेफ्ट साइड वाला होता है वो भी लगवा लेना, ठीक है। ऐसे जब आप लगा लेंगे, ठीक है,
बारिश हो रही बहुत तेज, फिर भी हम दोस्तों के कमेंट आ रहे थे तो हमने ये वीडियो बनाया। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा लगा हुआ है, तो ये हमारा रोड पे ही है। ठीक है, तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करके आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये हमारा जब तक रोड पे रहेगा तब तक गाड़ी समझ लो रोड उस पे ही है, यही हमारा पहिया है। ठीक है, तो चलिए देख सकते हैं इसको हम इस चीज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी आपको खोल के भी दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। और अगर हमें पहिया अपना देखना तो समझ लो जो हमारी पट्टी इस समय चल रही है यहाँ पर हमारा पहिया चल रहा है। ठीक है, देख सकते हैं। और अगर हमें इसको पट्टी पर लाना है, ठीक है, तो समझ लो हमारा पहिया भी इसी पट्टी पे होगा। चलिए आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। ठीक है, देख सकते हैं हमारी पट्टी, ठीक है, इस पे है तो हमारा पहिया भी इस पे होगा। तो चलिए देखते हैं, पीछे कोई गाड़ी तो नहीं, नहीं है तो आप लोगों को दिखा रहे हैं। बारिश हो रही तो चलिए यार शीशा खोल के दिखा रहे हैं लाइव प्रैक्टिकल करके आपको। ठीक है, तो चलिए देखिए, देख सकते हैं जो हमारा टायर है वो इसी पट्टी पे है। ठीक है, तो चलिए शीशा बंद करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं, और अब हम आप लोगों को ये बताएंगे कि अगर बारिश में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको कैसे चलाना है। ठीक है, जजमेंट तो आपको बता दिया अच्छी तरीके से आ गया होगा। रुक जाओ, गाड़ियाँ हैं तो हम थोड़ा इस साइड ले आएँ, और देख सकते हैं इस पर अपना टायर चलाने जा रहे हैं जो ये वाइट पट्टियाँ हैं। ठीक, ये इस पर चलने लगा इस समय हमारी गाड़ी, वाइट पट्टी जो है इस पर चल रहा था, थोड़ा हम साइड किए। और बारिश में अपना जो ध्यान है वो बोनेट पर रखना चाहिए कि व्हीकल पर रखना चाहिए। चलिए हम अपना ध्यान गाड़ी के बोनट पे रखना चाहिए या कोई व्हीकल पे रखना चाहिए मैं अगले वीडियो में बता देंगे, वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। देखिए इस पट्टी में ना लगे, समझो गाड़ी निकल गई, देख सकते हैं आप लोग इस पट्टी में नहीं लगी तो गाड़ी, ये ब्लैक पट्टी थी तो गाड़ी निकल गई। अच्छे अच्छे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया तो वीडियो का लाइक तो बनता ही है। ठीक है, देख सकते हैं ये गाड़ी निकल गई इसी टेप से। तो आप जजमेंट के सहारे मत रहिएगा, अभी एक लास्ट में आपको अच्छी बात बतानी है, वो बात मेरी ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, तभी आप जजमेंट लगा पाएंगे, अगर वो बात नहीं सुनते हैं तो आपसे धोखा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जजमेंट जो है हम आपको जो न्यू ड्राइवर हैं उनको मतलब नॉर्मल रखने के लिए आपको बता दिया है, जिसमें और डरना बिल्कुल नहीं है वैसे आपको। और इस लाइन में देख सकते हैं आप लोग पट्टी नहीं है, ठीक है, गाँव देहात की रोड है, तो अगर हमें साइड में गाड़ी रोकना है तब भी ये बहुत हेल्प करता है। देख सकते हैं हमें साइड में रोकना है तो आपको बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करता है। देख सकते हैं जो हमारा वो वाला काला टेप है, ये देख सकते हैं ये, अब हमारी गाड़ी बिल्कुल हल्का सा रोड पे होगी इतनी सी, ठीक है बिल्कुल, और हमारी गाड़ी पक्के पे भी है, खाले भी नहीं उतरेगी वो टेप, देख सकते हैं ब्लैक कलर। चलिए बारिश हो रही तो क्या, वीडियो बनाना है तो आप लोगों को अच्छे से दिखाना है, लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों को। देख सकते हैं हमारी गाड़ी खाले नहीं होगी ज़मीन पर, देख सकते हैं रोड पे ही है ना, ये वाला जो टेप है हमारा यही जजमेंट, ठीक है, ये वाला लेफ्ट और राइट, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है। जो है महिंद्रा का लोगो है ना, इसके थोड़ा यहाँ पे बस इस सीध लगा लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। चलिए बारिश बहुत तेज़ हो रही है, अंदर घुसते हैं। ठीक है, गाड़ी पूरी भीगी हुई है और देख सकते हैं जो हमारा ब्लैक वाला टेप था, ठीक है, वहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा अंदर है तो हमारी गाड़ी रोड पे, अगर जो नीचे उतर जाएगा जैसे तो आपकी गाड़ी नीचे है। तो चलिए देख सकते हैं इसी ब्लैक टेप से ऑटो को हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं वो हमारा टेप नहीं लगा तो गाड़ी नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से जो मेन चीज़ होती है वो आप लोगों को बताने जा रहे हैं। एक चीज़ बहुत ध्यान से करिएगा वरना आपसे धोखा हो सकता है। ठीक है, अगर कभी आप ड्राइविंग सीट पे बैठ के आपका जजमेंट वाला जो वो है टेप लगाएंगे यहाँ शीशे से या वहाँ से बोनट से, आप जजमेंट जब कभी करिएगा तो सही से ड्राइविंग सीट पे आप बैठ लीजिएगा, ठीक है, तब आप टेप लगाइएगा। और टेप लगाने के बाद आगे इंटा रख के आप देख लीजिएगा कि काम करता है कि नहीं, इधर उधर तो नहीं लगा है। ठीक है, ये बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान से जैसे टेप लगा लिया फिर उसके सामने इंटा रखना, फिर टेप के माध्यम से उस पर टेप चढ़ाना, तो टेप अगर जो सही होगा तो उसी ईंटे पे अपना पहिया जाएगा। ठीक है, एक तो बात ये हो गई, और इस जजमेंट से आप जो न्यू ड्राइवर हैं वो सीख लीजिएगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं वो ये जजमेंट वगैरह टेप वगैरह का किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते हैं। और जो यही बात सच है ड्राइविंग स्कूल या कोई भी ये बात नहीं आप लोगों को बताता है, ठीक है, क्योंकि हम आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से बताएंगे, इससे आप सीख तो जाएंगे। आप सीखने के बाद लगभग 8-10 दिन चलाने के बाद गाड़ी ये टेप वगैरह वाला जो सिस्टम है ये सब अपना ख़त्म कर दीजिएगा। लगभग जब आप 10 घंटे पिकअप चलाएंगे 8-9 दिन में, अगर आधा आधा घंटा एक एक घंटा आप पिकअप चलाएंगे, पिकअप चलाने के बाद आपको इतना खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कभी जजमेंट लेने की सहारा
और जजमेंट लेना कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं तो वो जो टेप वगैरह इससे हम लोग जजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों को दिखाने के लिए, मतलब हम आपका जो मतलब जो न्यू ड्राइवर है उनको दिखाने के लिए ये हमने किया, ठीक है। बाकी जो ड्राइवर होते हैं तो अपना ऐसे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं बोनेट से ही, ठीक है। गाड़ी चल रही, जब आप कभी पिकअप सीख जाएंगे तो ठीक है, आप खुद महसूस करेंगे कि हाँ हमें टेप वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अच्छे तरीके से जो बात रियल है वही बताते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो ऐसे टेप हमारा ब्लैक है तो ये निकल गया, तो हमारी गाड़ी निकल गई, ठीक है। और मतलब जो प्रोफेशनल ड्राइवर होते हैं तो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। टेप वेप हम नोच के फेंक दें तब भी हम गाड़ी चला लेते हैं अच्छी तरीके से, और हमें आता भी है कितने पे पहिया जा रहा है, कुछ ये ना चिपका हो, एकदम बोनट क्लीन हो, तब भी हम अगर ईटा सामने रख दो तो उस पर पहिया चढ़ा देंगे दोनों, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ड्राइवरिंग सीखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो आप लोग ऐसे ही सीखिएगा, दो चार दिन दस दिन सीख लीजिएगा, फिर आप अपने हिसाब से जजमेंट लगाना सीख लीजिएगा। जहाँ पे गाड़ी खड़ी हो वहाँ पे धीरे धीरे निकालिएगा, आप शीशा खोल के आप नीचे खिड़की से झांक के तब देख लेना बाइक से निकल के कि बाइक में नहीं लगेगा। इस तरीके से जब आप 10-5 बार सीखोगे तो अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ठीक है। आपको कभी ये टेप वगैरह और शीशे पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही गाड़ी चलाएंगे जैसे हम चला रहे हैं मस्त, ठीक है, आसानी से आप गाड़ी सीख जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय, लव यू, टेक केयर। तो 10-5 दिन सीखने के बाद बस आप टेप वेप हटा दीजिए, ये तो सिर्फ आपके जानकारी के लिए है, फिर आपको ऐसे ही, क्योंकि जितने ड्राइवर होते हैं सब ऐसे ही लगाते हैं, टेप वगैरह से कभी गाड़ी नहीं सीखी जा सकती, ठीक है, बस आपको अंदाज़ा लग जाता है बस। तो ओके बाय, लव यू, टेक केयर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके बाय, लव यू, टेक केयर। तो देखिए ना गाड़ी गाड़ी को टच करेगी और ना गाड़ी रोड से नीचे उतरेगी, ऐसे आराम से निकल जाएगी, ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाएंगे।